हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का वीडियो कुछ खास है, रक्षाबंधन स्पेशल है और आज का वीडियो मैंने भाइयों के लिए किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके लिए मैंने लिया है, ये प्लास्टिक का एक कंटेनर है और मैंने यहाँ इसके ऊपरी जो सिरा है उसके कार्डबोर्ड के चार पीसेस निकाले हैं। उसके जो ऊपरी सिरा है उसे हमें थोड़े बड़े, कम से कम 3 mm बड़े पीसेस निकालने हैं कट करके, और कट करने के बाद यहाँ पे दो दो पीसेस को आपस में चिपका लेंगे। और चिपकाने के बाद जब वो सूख जाए तो उस पर मैंने यहाँ पे मछली के आकार का डिज़ाइन बनाया है और इसे मैं अब इसे कैंची की सहायता से कट कर लूँगी। कट करने के बाद यहाँ पे मैंने एक पट्टी ली है कार्डबोर्ड की। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 9 सेंटीमीटर है और जो उसकी चौड़ाई है वो 9 सेंटीमीटर है और जो उसकी लंबाई है वो जो हमने कार्डबोर्ड कटिंग की है उसकी गोलाई के हिसाब से हमें रखना है। और इसे भी मैं फेविकोल की सहायता से आपस में चिपका दूँगी। प्रकार चिपकने के बाद ये दिखाई दे रहा है, इसमें आपस में चिपका लें। ये हमारा बॉक्स रेडी हो गया। अब इसका लॉक बनाने के लिए मैंने यहाँ पेपर ट्यूब लिया है, इसके 3 हिस्से किए हैं मैंने और इसकी टोटल लंबाई जो है हमारे बॉक्स के हाइट के बराबर थी। तो बॉक्स के एक साइड में 2 ट्यूब को चिपका लूँगी और दूसरे साइड में बीच में 1 ट्यूब चिपका देंगे। जिस प्रकार सूटकेस वगैरह में लॉक होते हैं ठीक उसी प्रकार है, जैसे हम इसे खोल कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। और इसके बीच में हम लकड़ी की कोई स्टिक डाल सकते हैं ताकि ये लॉक हो जाए आपस में। और इसे बॉक्स को और मजबूती देने के लिए मैंने यहाँ टिश्यू पेपर का उपयोग किया है जो मैं फेविकोल की सहायता से चिपका लूँगी। और अंदर के साइड मैंने वॉल स्टिकर का यूज़ किया है। ये हमारा बॉक्स रेडी हो गया। अब इसे थोड़ा सजाने के लिए मैंने यहाँ फैब्रिक का यूज़ किया है। तो इसके चारों तरफ हम गोलाई में फेविकोल की सहायता से इसे चिपका लेंगे। ऊपर की तरफ मैंने प्रिंटेड कपड़े का यूज़ किया है जो उसी से मैच कर रहा है, उसे भी मैंने फेविकोल की सहायता से चिपका दिया। और इसे थोड़ा सा और डेकोरेटिव करने के लिए मैंने यहाँ लेस का यूज़ किया है जो मैं बॉक्स के चारों तरफ चिपका दूँगी। फ्लावर चिपकाने के लिए मैंने यहाँ फैब्रिक से ही छोटे छोटे फ्लावर बना दिए हैं और उसे चिपकाने के लिए मैंने फेविबोंड का यूज़ किया है। हमारा जो प्लास्टिक का कंटेनर था उसे भी थोड़ा सा डेकोरेटिव बना दिया जाए, तो इसके लिए मैंने उसे 4 भाग में करने के लिए मैंने कार्डबोर्ड लिया है और बाहरी तरफ मैंने कंटेनर में जो हमारे शॉपिंग बैग होते हैं उसका यूज़ कर रही हूँ।
थोड़ा सा और सुंदर दिखे इसके लिए भी मैंने इसके चारों तरफ लेस लगा दिया है। कोई भी गिफ्ट दे मगर इस प्रकार बॉक्स बनाकर देगा तो उसकी बहन जरूर खुश हो जाएगी। तो थैंक यू आप सभी का, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहूँ।